शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए गार्बेज फ्री सिटी अभियान के तहत इंडियन स्वच्छता लीग 2.0 का मेगा इवेंट अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि गार्बेज फ्री सिटी अभियान का शुभारंभ गोरखपुर ज्वाइंट्स टीम के कप्तान मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव व ब्रांड एम्बेसडर सांसद रवि किशन शुक्ला द्वारा हरी झंडी दिखाकर सभी वार्डों में स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया गया है, जिसमें नागरिकों को प्रतिदिन 2 घंटे सफाई करने और स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने जनपद वासियों से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए गार्बेज फ्री सिटी अभियान का हिस्सा बनकर गोरखपुर को नंबर वन बनाने की है। भारत सरकार के द्वारा महुआ मिनिस्ट्री के द्वारा इंडियन स्वच्छता लीग सीजन 2 की शुरुआत हुई है। 17 सितंबर को इसका पूरे देश भर के सभी शहरों में इसका उद्घाटन हुआ था। यहाँ पर हमारे नगर निगम के जो गोरखपुर जायंट्स की टीम है उसके हमारे कैप्टन माननीय महापौर जी और हमारे जो नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर हैं माननीय सांसद रवि किशन शुक्ल जी, उनके द्वारा स्वच्छता सीजन 2 का शुभारंभ किया गया। माननीय सांसद जी ने रामगढ़ ताल नौका विहार पे इसका शुभारंभ किया। प्लॉग रन, मानव श्रृंखला और मैसेजिंग के जरिए इंडियन स्वच्छता लीग की शुरुआत की। वहीं माननीय महापौर जी के द्वारा भी गोरखनाथ मंदिर का कैंपस के अंतर्गत प्लॉग रन, स्वच्छता संदेश और मानव श्रृंखला के तौर पर इसकी शुरुआत की। साथ ही साथ 17 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इंडियन स्वच्छता लीग के गोरखपुर जायंट्स की कैप का और टी शर्ट का भी उद्घाटन किया गया, अनावरण किया गया। इंडियन स्वच्छता लीग का पर्पस शहरों को गार्बेज फ्री सिटी के तौर पर प्रस्तुत करना है और ISL सीजन 2 में हम गोरखपुर शहर को गार्बेज फ्री सिटी के तौर पे हम प्रस्तुत कर पाएँ, साथ ही साथ सभी नागरिकों को इससे जोड़ पाएँ, अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करा पाएँ, अधिक से अधिक लोगों को बता पाएँ कि शहर को स्वच्छ और सुंदर रखने में अपना योगदान दें। घरों से निकला हुआ गीला कूड़ा और सूखे कूड़े को अलग अलग रखें और नगर निगम के द्वारा जो दी जा रही गाड़ियाँ उन्हीं में कूड़ा फेंकें, नाली में, सड़कों पर कूड़ा अपना ना फेंकें। शहर को साफ रखने में, सुंदर रखने में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपील है, सभी गोरखपुर वासियों से उस अपील को समझें, सुने और उस पर कार्रवाई करें, अनुपालन करें, ताकि हम शहर को, अपने शहर को एक देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने में योगदान दे पाएँ। इसीलिए इंडियन स्वच्छता लीग की शुरुआत की गई। सभी लोगों 2 अक्टूबर तक इसके कार्यक्रम चलेंगे, अलग अलग तरीके के इवेंट चल रहे हैं, चाहे स्कूली छात्राओं के साथ हो, स्कूली छात्रों के साथ हो, कॉलेज के हमारे जितने भी यूथ हैं उनके साथ हो, हमारे NGO सिविल सोसाइटी हैं, मीडिया बंधु हैं, सभी को साथ लेकर एक बेहतरीन वातावरण बनाने के प्रयास किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक गोरखपुरवासी नगर निगम के इस कार्य में सहयोग करें और शहर को साफ सुथरा रखने में अपना योगदान दें।